कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विन किया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस विन के ऊपर इंडियन मीडिया क्या कहते हैं, ये आपको इंडियन मीडिया का रिएक्शन दिखाते हैं। लौट के कराची किंग्स अपने पुराने रंग में रंग गई। हाँ जी, शुरुआती दौर में पीएसएल के जब कराची किंग्स ने जीतना शुरू किया तो लोग अपनी आंख मसल कर देख रहे थे कि भाई साहब ये वही कराची किंग्स है। इस बार कराची ने दावा किया कि भैया हमने कप्तान बदल दिया है, प्लेयर बदल दिए हैं, माहौल बदल दिया है, लेकिन वो ये बताना भूल गए कराची के हालात नहीं बदले। और इस हालात का असर ये है कि कराची फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर नंबर 5 पर आ गई है। उनसे पीछे सिर्फ वही हैं जो हर मैच हार जाते हैं, लाहौर कलंदर। लेकिन कराची की ये हार इसलिए है क्योंकि उनके खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक तो बुजुर्गों वाली टीम बनाई उन्होंने, उस बुजुर्गों में भी केवल जो बुजुर्ग हैं वही चलते हैं। मतलब केरन पोलार्ड हर मैच उनको जिता रहे हैं या इज्जत बचा रहे हैं। आज भी पोलार्ड ने 28 बॉल पर 48 रन मार दिए, 171 के स्ट्राइक रेट से मैच बचा दिया। वरना एक समय तो कराची किंग्स की हालत ये थी कि लगा वो मैच खत्म है 89/5 13 ओवर में। अगर आप 13 ओवर के बाद केवल 80-90 रन बनाते हैं तो आप जीतने के हकदार नहीं T20 क्रिकेट में, और खासतौर पर कराची में अगर मैच हो। और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिखाया कि पिच खराब नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से कॉलिन मुंडो ने पिटाई की और जिस तरह से शमशी को आगे पीछे दाएं बाएं रैप्टे पे रैप्टा दिया है, मुझे लगता है कि उसके बाद तो कराची के गेंदबाजों की आंखें खुल गई होंगी, बल्लेबाजों की खुल गई होंगी कि यार हम तो नहीं मार पा रहे थे। वैसे मारे कैसे? कप्तान साहब को देखिए, 30 बॉल पे 27 रन पावर प्ले में। आई मीन शान मसूद से वी एक्सपेक्ट बेटर। अगर आप ओपनिंग करने आते हैं और आप 30 बॉल खेलते हैं T20 क्रिकेट में तो आप 27 रन नहीं बना सकते। और अगर आप 27 रन बना रहे हैं और हर मैच में 2 रन, 5 रन, 10 रन या जिसमें चल रहे हैं उसमें आप शुरू में आउट हो जा रहे हैं या जिसमें टिकते हैं उसमें आप टेस्ट क्रिकेट वाला मजा दे रहे हैं, तो आप भाई साहब टेस्ट टीम के ही कैप्टन रहिए। आपको T20 क्रिकेट में कैप्टेंसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप न सिर्फ टीम पर बोझ बनते हैं बल्कि इससे नीचे वाले बल्लेबाजों को मुश्किलें होती हैं। किसी दिन शोएब मलिक, किसी दिन केरन पोलार्ड आपकी इज्जत को बचा रहे हैं और आप नहीं चल पा रहे। इस मैच में कई और बातें भी थी। इस मैच में हसन अली ने विकेट निकाला और हसन अली इसके साथ ही एक रिकॉर्ड अपने नाम कर गए, जहां पर पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में वो नंबर 2 पर आ गए। पाकिस्तान में पीएसएल में सबसे ज्यादा विकेट जो है वो वहाब रियाज ने लिए हैं, 113 विकेट। नंबर 2 पर हसन अली हैं जिन्होंने आज 100 विकेट लिए हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड जो है शायद एक दो मैच में टूट जाएगा, क्योंकि शाहीन शाफरीदी जिनकी लाहौर कलंदर पिट पिट कर बंदर बन गई है वो 98 यानी ऑलमोस्ट किसी भी दिन एक मैच में शायद वो उनसे आगे निकल जाएंगे। शदाब खान जो है वो 83 पर हैं और फहीम अशरफ जो है वो 72 पर है। लेकिन फिलहाल ये टीम काफी संघर्ष कर रही है और संघर्ष आज जबरदस्त दिखाई पड़ा। यार कॉलिन मुंडो ने क्या मारा है शमसी को यार, पहला लेग पे छक्का मारा, दूसरी बॉल जब गई स्विच हिट करके छक्का मारा, तीसरी बॉल फिर छक्का मारा। मतलब एक समय तो लगा यार क्या मजाक चल रहा है, आप सिंगल हिट फिर स्विच हिट। पहले ओवर में शमशी को जो टारगेट किया है भाई साहब, उसकी जबरदस्त मार, मतलब ऐसी मार कम देखने को मिलती है। और मुंड्रो और हेल्स ने तो आज समा बांध दिया। पीएसएल का ये मैच जो था इसमें समा बांधा। वो जो लाल रंग होता है, चटक लाल रंग, आज वो देखने को मिला और उसी का असर है कि ये टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आई। शदाब खान की टीम ने ना सिर्फ आज अपना रन रेट बेहतर किया बल्कि पहले मैच के बाद वो इस मैच में कमबैक करके एक मैसेज भी दिया कि अभी भी हम बाहर नहीं हुए, अभी भी हमारे चांसेस जो हैं वो पूरे बाकी हैं और अगर हमने ठीक ठाक खेला तो फिर आगे आने वाले समय में हम बेहतर कर सकते हैं। वैसे ये टीम कई और मैचेस जीत सकती थी। आप याद कीजिए आजम खान की उपारी जिसमें वो मैच जीतते जीतते हार गए थे, वो भी मैच एक ऐसा था जहां पर मुझे लगा था कि शायद ये लोग अच्छा कर जाएंगे लेकिन वो मैच नहीं थे। लेकिन आज का मैच इंटरेस्टिंग था। आज के मैच में कॉलिन मुंड्रो और एलेक्स हिल्स ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत बहुत बेहतरीन। मतलब जब पहला विकेट गिरा तब तक ही मैच ऑलमोस्ट खत्म था। अगर आप 165 चेस कर रहे हो और आप 11 ओवर में 108 रन बना लेते हैं तो आप आधी बैटल डन कर जाते हैं। इस मैच में इस्लामाबाद के लिए अच्छी बात यह भी थी कि इमाद वसीम जो हैं वो गेंदबाज के तौर पर आज शानदार थे। इमाद वसीम को वही काम दिया गया था जो कराची किंग्स के लिए करते थे, पहला ओवर आके डालना, और उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर विकेट निकाला, अपनी टीम की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत करके रख दी। एक मौका इमाद को बल्लेबाजी के तौर पर भी दिया गया था लेकिन बल्लेबाज के तौर पर वो फ्लॉप रहे। शमशी ने उन्हें आउट कर दिया 2 रन बनाकर, 2 बॉल पर बिना खाता खोले वो आउट हुए। लेकिन शदाब खान खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है कैप्टन और जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर में 18 रन उन्होंने दिए। ओवरऑल उनकी टीम जो है
अच्छी टीम है, मतलब नसीम शाह जो है अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हुनैन जो है वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, हुनैन ने भी आज जिस तरह से गेंदबाजी की वो इंप्रेसिव थी, नसीम की गेंदबाजी जो थी वो इंप्रेसिव थी, खासतौर पर जो शान मसूद को बोल्ड मारा था हुनैन ने, मेरे लिए आई थिंक वो बॉल ऑफ द मैच थी, बॉल ऑफ द मैच थी, बिकॉज जिस तरह से वो बॉल आई और जिस तरह से शान मसूद की गिल्लियां उखड़ी हैं, मजा आ गया था, देख के मजा आ गया था। सो आई थिंक ओवरऑल ये मैच था, लेकिन क्वेश्चन कराची किंग्स को करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास सिर्फ दो गेंदबाज हैं जो ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, एक शुएब मलिक जिनसे आज आपने पूरा ओवर करवाया क्योंकि आपकी टीम में वो सबसे अच्छे परफॉर्मर के तौर पर थे, बाकी आपके मीर हमजा और नवाज भी ठीक ठाक कर रहे हैं। पीएसएल का पहला मरला मुल्तान और लाहौर के स्टेडियम्स में अपने इख्तिताम को पहुंचा, जबकि दूसरा मरला पिंडी और कराची के ग्राउंड्स में शुरू हो चुका है। रात एक मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला गया जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग की टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी, जिसमें कराची किंग की टीम को एक और हार का सामना करना पड़ा और शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह मैच अपने नाम किया। शादाब खान की यूनाइटेड की जानब से कोलन मुनरो और एलेक्स हेल्स ने बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और एलेक्स हेल्स 48 रन पर आउट हो गए, जबकि कोलन मुनरो ने शानदार 50 मुकम्मल करने के बाद अपनी टीम का स्कोर जीत के बहुत करीब पहुंचा दिया, जिसको बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने बआसानी कंप्लीट कर लिया और कराची किंग की ये टीम मैच जीतने में नाकाम रही और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मैच जीत कर पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। दोस्तों आज एक और मैच खेला जाएगा जो कि कराची के स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।